इमरान रियाज केस दायरे इख्तियार में नहीं, सिविल मजिस्ट्रेट अटक ने केस एफआईए कोर्ट में भेज दिया। रिमार्क्स दिए इमरान रियाज को, रावलपिंडी एफआईए अदालत में पेश किया जाएगा। सीनियर एंकर पर्सन के खिलाफ दीगर अजला में मुकदमात, चकवाल रावलपिंडी और गुजरात से पुलिस पहुंच गई। लाहौर हाईकोर्ट में हलीम आदिल शेख की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने जामशोरू पुलिस और सरकारी वकला को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया, आप हमारे मेहमान हैं, सिंध से आए हैं, किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। तनकीद करने वालों को डराया धमकाया और खामोश कराया जा रहा है, जमहूरियत आजादी इजहार के हक के हामी एहतजाज के लिए बाहर निकले, इमरान खान की अपील। ट्वीट में लिखा, इमरान रियाज, अयाज अमीर और दीगर सहाफियों को निशाना बनाने के खिलाफ बाहर निकलें, आज फासिज्म के खिलाफ खड़े ना हुए तो जमहूरियत मुल्क की आजादी का अख्ताम होगा। कप्तान आज चीचा वतनी में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। इमरान रियाज के हक में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सीनियर सहाफियों और पीटीआई रहनुमाओं का एहतजाज, मुराद सईद बोले, इमरान रियाज खान को अगवा किया गया, उन्हें रिहा करना होगा, सहूलतकारों से पूछता हूं किस किस को गिरफ्तार करोगे, ये 20वीं सदी है, हर पाकिस्तानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।